अभी यहाँ पर एक वन बाय वन पैन पैन करके चेक करूँगा, एडजस्ट हो पाते हैं। लगी हुई था ये -10। भाई मौसम इतना गजब को रखा है क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़बरदस्त लगा। हाँ तो जी गुड मॉर्निंग, कैसे सभी लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राकेश नाथ ब्लॉग। और आज का जो दिन है बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि दो दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, आज जाकर के मौसम कुछ सही हुआ है। और अभी आप थंबनेल और टाइटल देख करके भी जाओगे कि ये जो वीडियो होने वाला है वो कौन सा किसका होने वाला है, क्या है कहाँ। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ फिलहाल तो ऑफिस, खीर गंगा ट्रैक के लिए जो प्रिपरेशन करनी है, मैंने कपड़े वगैरह तो आज मैं रख करके आया हूँ घर पर, कल बैग उठा करके चलना है बस। और शायद आज मैं जा सकता हूँ डीकैथलॉन, वो किस लिए, क्योंकि मेरे को ट्रैकिंग शूज़ सही होंगे, क्योंकि अगर ट्रैकिंग शूज़ होंगे तो ट्रैक अच्छे से हो पाएगा, अदरवाइज़ तो फिर क्या ही ट्रैक होगा। जून 30 है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं खीर गंगा ट्रैक जा रहा हूँ तो मेरे को ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे है ना थोड़े गर्म कपड़े चाहिए होंगे, तो मैंने कुछ कपड़े रखे हैं, कुछ समर के भी कपड़े रखे हैं और कुछ विंटर्स के भी कपड़े रखे हैं। ये जो ट्रैक होने वाला है फ्रेंड्स बहुत ही लबॉर्चेंट और बहुत ही मस्त होने वाला है, तो इस टूर में बेसिकली तुम बने रहना, बहुत मज़ा आने वाला है। ग्रेटर नोएडा में हूँ, मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ और ये अपना खूबसूरत सा ग्रेटर नोएडा है, और ग्रेटर नोएडा जैसी जगह मुझको बहुत अच्छी लगती है, और काफ़ी खुला और काफ़ी हरा भरा आप देख ही सकते हो। अगर ग्रेटर नोएडा के रोड भी देखते हो तो सारे पेड़ पौधे, चारों तरफ पेड़ पौधे मिलेंगे, और जब बारिश आती है तो क्या मस्त मौसम हो जाता है, एकदम इंजॉय करने वाला मौसम हो जाता है और बहुत ही मस्त। अभी चल करके स्टैंड पे बैठेंगे और जब ऑफिस की गाड़ी आएगी तो चल देंगे। तो अभी ये टाइम है हमारे पास, अभी टाइम हो चुका है 7:40 हो चुके हैं, और कुछ समय बाद आ जाएगी अपनी बस और निकल लेंगे ऑफिस। ऑफिस के बाद में काम वाम फिनिश करने के बाद में मैं निकलूँगा फिर अपने थोड़ा सा शॉपिंग के लिए। बहुत सारी चीज़ें तो मैंने ऑनलाइन ही खरीद ली थी, कपड़े वगैरह तो मैंने कुछ ऑनलाइन ही खरीद लिए थे, बाकी एक ट्रैकिंग शूज़ है, सोच रहा था खर्चा करूं या नहीं करूं, क्योंकि अभी कसौल में ही जो ज़्यादा नहीं कि कसौल में ही जो खर्चा होने वाला है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर मैंने सोचा कि शायद एक 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 जोड़े शूज़ खरीद ही लेने चाहिए, क्योंकि ट्रैक तो उसी से होगा ना। वो आ रहे हैं, बस निकलने वाली है, बस आ गई है, और भाई मौसम इतना गजब को रखा है क्या ही बताऊं, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। देख ही रहे हो बहुत ज़्यादा हुई है आज दिन में बारिश, और मौसम क्लीन क्लीन बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा हो गया है, और अब ऑफिस का टाइमिंग ख़त्म होने वाली है, 20 मिनट बाद ऑफिस से निकलेंगे और मैं सीधे जाऊँगा डीकैथलॉन, वहाँ से जाके फिर मेरे को ट्रैकिंग शूज जैसे मैंने तुम्हें बता ही दिया पहले। फ्रेंड्स मैं अभी आ चुका हूँ यहाँ पे डीकैथलॉन में, और यहाँ से मेरे को लेने हैं शूज़, पीछे मेरे डीकैथलॉन है। फिर तो फिलहाल मैं हूँ अभी यहाँ पर, और गियर लगे यहाँ पे ट्रैकिंग शूज़ सारे के सारे मैं यहाँ पे चेक करूँगा, एक एक वन बाय वन पहन पहन करके चेक करूँगा, तब जा करके पता लगेगा कौन सा मेरे को पहनना है। तो अभी चेक कर लेते हैं यहाँ पर ये वाले शूज़ है, देखता हूँ चेक करके देखता हूँ एडजस्ट हो पाते हैं कि नहीं, सही लग रहा है, बाकी सही लगने ना पहाड़ों में चलने पर पता लगता है कि कैसे हैं। ली मैंने ये वाले शूज़ ले लिए हैं, क्योंकि अभी ये जो थे
ये वाले शूज थे, ये वाटरप्रूफ थे, बट देखने में मेरे को सही से अच्छे से लग नहीं रहे थे, तो ये वाले मैंने ले लिए। ये वाले मेरे को थोड़ा सा लुकिंग में भी सही लग रहे हैं और ट्रैकिंग के लिए सही है। और बाकी तो ये है कि बारिश वगैरह आएगी तो देख लेंगे। रोहित से मैंने कॉल करके पूछा था बट उसने मेरे को यही बताया कि ये वाला ले ले, ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये वाले ले लिए मैंने। और बाकी बहुत सारे रखे हैं ट्रैकिंग के लिए, ये वाले तो बट वो मेरे को थोड़ा सही से भी लग रहे, तो ये वाले भी चूज कर तो देख लेते हैं। और एक रेनकोट देख लेता हूँ। रेनकोट अच्छा तो है बट मेरे को लग रहा है बड़ा है, कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो इसलिए मैं शायद इसको लूँ। और बहुत सारी चीज़ें लेनी थी मेरे को, टेंट भी लेना था बट अभी नहीं, वो मैं बाद में लूँगा। और मेरे को जैकेट भी लेनी थी वाटरप्रूफ वाली, और -15 वाली जैकेट भी लेनी थी, वो भी शायद पता नहीं कितने रुपये की है, बट अभी तो मेरे को ट्रैकिंग शूज लेने थे बट वो मैंने ले लिए। और बाकी बाद में देखेंगे ये सारी चीज़ें ना। रेनकोट ये है तो बड़ा लग रहा है मेरे को, अभी छोटा कोई साइज़ है नहीं है, वो भैया बता रहे हैं कि छोटा साइज़ आएगा तो आप ले जाना, बट अभी है नहीं तो देख लेते हैं। जो जैकेट लगी हुई है ये -10 -10 जीरो टेम्परेचर से लेकर के -10 के लिए ये है, बट मैं अभी लूँगा नहीं, और ये मैं आगे लूँगा जाकर, जब कभी आगे जाकर के ट्रैक करेंगे और थोड़ा स्नो वगैरह में जाएंगे तब जाकर के मैं इसको लूँगा। और अटेंट भी लेना, बहुत सारी चीज़ें ले ली बट अभी नहीं लूँगा, अभी तो मेरे को ट्रैकिंग शूज ले लिया बस वही काफ़ी है, तो आगे रखे हुए हैं। ये -5 के लिए बनाया गया है, -5 के लिए है वैसे तो ये 5,000 रुपये, 1 रुपये ही तो कम है। ये हो गया भैया अपने, ये वाले शूज अच्छे लग रहे हैं देखने में भी, मस्त एकदम। तो फिलहाल अभी ले लिए मैंने जूते पीछे से डीकैथलॉन से, और अभी मैं निकलता हूँ घर की तरफ, और पूरी प्रिपरेशन करनी है कसौल ट्रिप की और खीरगंगा ट्रैक की, तो पूरा सामान मेरे को करना है आज ही रेडी, तो मैं चलता हूँ अभी घर की तरफ, और फिर क्योंकि कल निकलना है। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पेंडिंग करते हैं, और ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा था फ्रेंड्स लाइक और शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कल मिलते हैं आपको खीरगंगा ट्रैक में, और ब्लॉग में बने रहिएगा क्योंकि इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं ट्रैकिंग वाले। तो विश यू ऑल द बेस्ट अभी के लिए, बाय।